तो किसान भाइयों, ये तो हुई परवल लगाने और फिर उससे अच्छी उपज पाने की बात, लेकिन जहाँ तक बात आती है उपज को बेचकर मोटे रकम कमाने की, तो फिर उसमें कुछ और भी बातें हैं जिसे ध्यान में रखकर आप एक सफल कृषक बन सकते हैं, और वो बातें हैं तुड़ाई, भंडारण क्षमता और मार्केटिंग की। तो चलिए जान लेते हैं इन सभी पहलुओं को। आपको ये जानना जरूरी है कि कोमल फलों में बीज मुलायम होने के कारण उनकी सब्जी अच्छी बनती है, लेकिन ऐसे फल जल्दी सिकुड़कर खराब भी हो जाते हैं, जिससे इनकी भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन गुणवत्ता कम हो जाती है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि फल अधिक कड़ा ना हो, क्योंकि अधिक कड़ा और बड़ा फल जल्दी ही पक जाते हैं। इसलिए दोनों अवस्था में सामंजस्य स्थापित कर समुचित अवस्था में ही फलों की तुड़ाई करें। आप एक महीने में 5 से 6 बार फलों की तुड़ाई कर सकते हैं। अब अगर भंडारण की बात करें तो परवल की ऊपरी सतह कड़ी होने के कारण अन्य सब्जियों की तुलना में इसकी भंडारण गुणवत्ता अधिक दिनों तक होती है। अच्छे रखरखाव से परवल को साधारण दशा में 4 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर आप इससे भी अधिक दिन तक भंडारित रखना चाहते हैं तो स्टे फ्रेश नामक खाद और पानी की बराबर मात्रा मिलाकर परवल के ताजे फलों को 12 से 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है।